गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वो मेरा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। चलिए खैर, जो हुआ सो हुआ, आगे चलते हैं हम लोग। अभिषेक प्रेजेंट है ना? अच्छा, वो ओके। अभिषेक कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, वो बात कर ले रहे हैं। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको समझ लेते हैं हम लोग। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसको आप समझिए कि जब आप सोचिए, सर्विस टैक्स का जैसा कोई टैक्स है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसको बिल दिए और बिल के साथ वो कुछ पैसा काट लिया 10%। ये 10% क्या है? वो बोल रहा है सर्विस टैक्स है। तो सर्विस टैक्स आपसे लिया गया, एक्चुअली टेक्निकली ये सर्विस टैक्स आपको पे करना था। ठीक, टेक्निकली आपको पे करना था, यानी कि आपको जब इनकम देखा जाए तो सरकार को वो टैक्स देना चाहिए था लिख करके कि हम इतना सामान यूज किए थे तो सर्विस टैक्स आप लीजिए। लेकिन रेस्टोरेंट क्या होता है कि वो सोर्स पे आप पे कर रहे हो, उसको पेमेंट वहीं पे ले लेता आपसे, तो ये हो जाएगा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। पॉइंट नंबर वन, इट इज़ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में क्या है कि सोचिए कि आप मेरे एम्प्लॉय होते और आपको हम हर साल 4 लाख रुपए पे कर रहे होते। 3 लाख से ऊपर में सोचिए कि आपको आपको पे करना है इनकम टैक्स। 3 लाख रुपए जिस दिन हम दे देते आपको महीना महीना करके, 3 लाख जैसे कंप्लीट होता, जैसे उसका बाद वाला महीना आपको हम पे करने चाहते, सोचिए 30,000 या 50,000, तो इस 50,000 को देते समय हम आपका 10% काट लेते, 45 भी देते, और जो 10% काटे वो सरकार को हम बढ़ा देते। टेक्निकली अगर देखा जाए तो पैसा आपका है, आप लेने के बाद सरकार को बोलेंगे अरे मेरा इनकम हुआ था, टैक्स ले लीजिए। लेकिन नहीं, सरकार बोलती है कि जब इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता आपका एम्प्लॉय का, तो आप ही पेमेंट उससे उसका टैक्स काट करके और सरकार को पहले जमा कर दीजिए। बाद में जब भरेगा, अपना इनकम टैक्स फाइल करेगा, तो देखा जाएगा कि कितना एडजस्टमेंट होता है। तो ये जो हो जाएगा, दिस विल बी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि सर्विसेज वगैरह को जो आप लेते हैं और वहाँ पे जो टैक्स आपको सर्विस देने वाला, वहीं पे पैसा आप देते हैं और वहीं पे काट लेता है, दैट इज कलेक्टेड एट सोर्स। वो कलेक्ट कर रहा है आपसे कलेक्ट कर रहा है सोर्स। आप जितना पैसा आपसे लेना चाहिए तो उसे ज़्यादा ले ले रहा है, आपसे कलेक्ट कर रहा है। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हम जितना पैसा आपको देने वाले थे उसमें से कुछ कम करके आपका टैक्स का हिस्सा सरकार को दे दिया, आपका हिस्सा सरकार को दे दिया, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या है, क्लियर है? हाँ, हमको 50,000 देना था आपको, आपका पेमेंट है, हम देते, लेकिन सरकार बोलिए मत देना क्योंकि ये टैक्स पे ही है। क्यों टैक्स पे ही है कि सोचिए सरकार का स्लैब में 3 लाख ही टैक्स का है, स्लैब सरकार का, हम आपको 3 लाख ऑलरेडी साल में दे चुके हैं। जैसे 3 लाख क्रॉस करेगा तो सरकार का मेरे पास इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, आप उसके हाथ में पैसे नहीं देंगे। आप देंगे तो आप पहले कुछ बता देगी कि कितना टैक्स डिडक्शन होगा, वो डिडक्शन करके हम सरकार को दे देंगे, यानी आपको 10% कम करके 45 तो आपको मिला, सरकार को 5,000 मिला। और आप अगर अपना पैन नंबर डाल करके इनकम टैक्स का साइट में विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका नाम से 5,000 रुपये सरकार के पास जमा है। जमा करने वाले हम हैं लेकिन आपका नाम से जमा है। फ्यूचर में बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ डिडक्शंस लेने हो, आपको लगता है कि नहीं मेरा पैसा जो है वो ज़्यादा कट गया है, वो कम होना चाहिए, हम इंश्योरेंस कराए थे, बहुत कुछ हो सकता है। तब सरकार को आप बोलेंगे कि देखिए हम इंश्योरेंस कराए हुए हैं, अपना प्रूफ देंगे, तो सरकार उतना पैसा वापस कर देगी आपको।
ये टीडीएस हो गया, टीसी, और बता ही दिए ये कलेक्टेड एट सोर्स कैसे होता, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा बात तो पूछ रहा था कि किसानों को एमएसपी, एमएसपी का क्या है कि एमएसपी सरकार देती तो जरूर, लेकिन एमएसपी कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं होता कि किसान को एमएसपी के लिए ही पैदा कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं होता, पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट ये है, क्या सबका ऑडियो इंटरप्ट हो रहा है? होना तो नहीं चाहिए, ऑडियो को हमको नहीं पता चलेगा, वीडियो को हमको पता चल जाएगा लेकिन ऑडियो को नहीं पता चलेगा। अच्छा, अगला था कि एमएसपी का, एमएसपी सरकार देती है, किसान जो होता है सरकार का ये होता है, तो दोनों का, अभिषेक और अनिमेश का प्रॉब्लम है, बाकी का प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो मार्केट बनाई होती है सरकार, एग्रीकल्चर मार्केट, उस मार्केट में ले जाना पड़ता है। और उस मार्केट में सेल करना पड़ता है। ओके, अच्छा, ऑडियो में प्रॉब्लम। ओके, अब क्या प्रॉब्लम आ गया होगा? अच्छा, काम करते हैं, थोड़ा देर बढ़ते हैं आगे, अगर फिर भी होगा तो फिर एक बार कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा, कुछ हुआ होगा, आज प्रॉब्लम थोड़ा सा था लेकिन रिजॉल्व तो हो गया था, देखते हैं। अच्छा, अगला बात था, हाँ, तो किसान जो है वो बेचता है जाकर के मार्केट में, एक्चुअली मार्केट में जाकर के बेचना किसान के लिए उतना, बहुत कारण से वो मार्केट में जाके सरकारी रेट पे नहीं बेचेगा, वो घर के पास बेच देगा। एक रीज़न ये है कि जब वो ले करके जाएगा सरकारी मार्केट में, जो प्रैक्टिकली हमको पता लगा है, तो वहाँ पे कई सारा तरह का, वो जो वहाँ का ऑफिसर होगा बोलेगा ये इसका दाना जो है ठीक नहीं है, टूटा हुआ है, छोटा है, कई सारा जो होता है, जितना का होगा उतना से वो कम में ही उसको वो मिलेगा पैसा, जितना जितना मिलना चाहिए। तो ये जो लोग यहाँ से उठा के ले जाते हैं, किसान के पास से ही चले के चले जाते हैं, तो ये लोग वो सब मैनेज करते हैं। एक पॉइंट ठीक। अच्छा, आप लोग अपना साइड से भी रिफ्रेश करके देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का सही आ रहा है, कुछ लोगों का खराब आ रहा है, एक बार आप लोग भी रिफ्रेश करके देखिए, कहीं बाई चांस ठीक हो जाए तो वो मैनेज कर लेता है। दूसरा बात ये है कि ये जो लोग ट्रेडर्स होते हैं, जो किसान से, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभिषेक, क्योंकि ये मेरे आँख के सामने रहता है, ऑडियो का तो आप लोग कंप्लेन के बारे में नहीं बोल सकते, बट वीडियो एकदम बिल्कुल स्मूथ हमको दिख रहा है। आपका डेटा का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, थोड़ी देर हम बोलेंगे, 5 मिनट, 5 मिनट बाद ये आप लोगों का डेटा का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मेरे पास बिल्कुल मोबाइल खुला हुआ है, तो आप लोग रिफ्रेश कीजिए एक बार। हाँ, एक बार रिफ्रेश कीजिए, हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम आप लोग के साइड से है, आप ये ऐसा लगता है इफेक्ट हो गया है ना, कि मेरा टेक्निकल इशू से आप लोग भी अलर्ट हो गए हैं कि कहीं मेरे साइड से तो नहीं हो रहा, मेरे साइड से अभी नहीं हो रहा, आप प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिए थे। ऑडियो का हो सकता है सही भी होंगे, वीडियो का कोई इशू नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक बार रिफ्रेश मारिए आप लोग। तो वो क्या होता है, ट्रेडर एक तो वो है जो काट छाट है, उसको समझ है। दूसरा बात यह है ना कि किसान कभी कभी ये के दौरान, जब फसल जो खेत में ही होता है, तो कई बार इन जो लोग होते हैं, ये लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, इनसे एडवांस वगैरह भी आसानी से ले लेता है, तो ये भी उसका एक फायदा है कि ये लोग मौका पे मौका काम आ जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, अब आज का शुरू करते हैं। ये वाला न्यूज शायद पिछला बार हम कवर किए थे, क्या किए होंगे? अच्छा, अगर पता नहीं किए, अच्छा, जो चिकन्स है ये कवर किए थे, ये चिकन्स जो है इसके बारे में पता चल, ये बात कर चुके हैं, इसको हम नहीं बात करेंगे अभी, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि
ये कवर्ड हो चुका है, फिर वो रिपीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। अभी जो न्यूज यहाँ पर आपको लोगों को दिख रहा है, इस तरह का न्यूज आप लोगों को पढ़ते समय लगेगा कि ये यूपीएससी का कुछ काम नहीं है। हाँ, वो सब भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ तो इसमें क्या है कि बटरफ्लाई का दो नया स्पीसीज के बारे में पता चला है। ये सब यूपीएससी कभी कभी क्या हर साल इक्का दुक्का क्वेश्चन डालता ही है इस टाइप का। तो एक का नाम है स्ट्रिप्ड स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और दूसरा का यूलूसिव प्रिंस। तो ये चाइना में भी पाया जाता है, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक, हैनान प्रोविंस ऑफ चाइना। और इलुसिव प्रिंस जो होता है वो वियतनाम में भी पाया जाता है। तो कहाँ मिला है? ये मिला है अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा है एक नॉन वेनमस स्नेक है, इसका नाम है आसाम किलबैक। ये आसाम किलबैक जो है ये 129 ईयर्स एगो ये इसको रिकॉर्ड किया गया था। इसका दो सैंपल एक कलकत्ता में रखा गया था और एक ब्रिटेन में रखा गया था। तो हर हर पेटोरिस पियाली, तो ये इलुसिव था, ये मिल नहीं रहा था तो इसको लॉस्ट में गिनते थे, नॉट एक्सटिंक्ट, लॉस्ट। तो फाइनली ये मिला फिर से, और इसको खोजा कैसे गया? एक एक्सपेडिशन चला था, मिलिट्री एक्सपेडिशन, अबोर एक्सपेडिशन बोलते हैं इसको। अंग्रेज लोग एक एक्सपेडिशन कहते हैं, पिनिटिव कुछ लोग भेजे होंगे सजा के तौर पे कि इस रास्ता से जाइए वहाँ तक कहीं, आसाम से अरुणाचल प्रदेश। तो वो जब वो लोग एक्सपेडिशन में जा रहे थे तो उसी दौरान में उसको उन लोगों को ये पर्टिकुलर स्नेक मिला था। तो उसने गैप था तो उसको रिलेटेड और भी फ्लोरा फौना को ढूंढने के लिए फिर से वही ट्रैक चुना गया। तो वही ट्रैक चुना गया तो वो फिर से वो सांप दिख गया। तो ये भी एक नया डिस्कवरी है, मतलब एक 129 साल पुराना सांप जो भूल गया था वो फिर से मिल गया। फिर क्या मिला? प्लांट जिसको 135 ईयर्स पहले इसको मान लिया गया था कि एक्सटिंक्ट हो गया है, ये प्लांट भी फिर से मिल गया है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबा एंडरसोनी। ये तीस्ता रिवर वैली में मिला है। इसको डांसिंग लेडीज और स्वान फ्लावर्स भी बोलते हैं। चलिए, ये सब पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। एक पिकुलियर ड्रैगन फ्लाई मिला है। एक पिकुलियर इस सेंस में है कि इसमें जो इंडिविजुअल मिला है वो इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों का ही गुण मिला है जो बहुत रेयर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग गाइन एंड्रोमॉर्फिज्म। तो ये जो वर्ड है गाइन, गाइनी, गाइन इज फीमेल और एंड्रो मतलब होता है मेल। तो ये दोनों ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं, कलर से पहचाना जाता है मेल और फीमेल को। तो ये जो होते हैं मेल जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, फीमेल येलो कलर की होती है। और इसका कुछ पार्ट रेड है, कुछ पार्ट येलो है।
चलिए ये भी आप पढ़ लीजिएगा। अभी छोटा छोटा न्यूज़ कवर कर रहे हैं, कोविड में आएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ, लार्जेस्ट बटरफ्लाई अभी बदल गया है। पहले जो था वो साउदर्न बर्डविंग करके एक बटरफ्लाई था, जिसको मानते थे कि ये ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, लेकिन इसको अभी रिप्लेस किया है गोल्डन बर्ड विंग, जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। तो किस बेसिस पे बोले हैं इसका विंग स्पैन, तो विंग स्पैन जो है वो 194 mm का मिला है गोल्डन बर्ड विंग में, जबकि साउदर्न बर्ड विंग में 190 mm का होता है। ये फीमेल का बता रहे हैं, मेल का काफी छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फंगस है ओहियो कॉर्डिसेप्स फंगस, ये इसका इसका लाइफ कैसे कैसे इस फंगस का जिंदगी होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। कि ये स्टिंक बग है जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है, स्टिंक बग। इस बग को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करने के बाद उसका बॉडी का इंटरनल पार्ट में जाके उसको धीरे धीरे खाते रहता है, और जब इसका स्प्राउट होने का मतलब फैलने का जो टाइम आता है उसी से वो निकलेगा बाहर स्प्राउटिंग होने का, तो इस बग को वो किल कर देता है। जो जिंदा रहता है तो उसके पहले खा पी के पहले अपने आप को बढ़ाता है, फिर स्प्राउट करने टाइम में इसको किल कर देता है, और मरा हुआ बग पे स्प्राउटिंग उसका होता है फंगस का, और फिर स्प्राउटिंग करने के बाद जो आसपास में दूसरे स्टिंक बग होते हैं उनको फिर इन्फेक्ट करता है, और इस तरह से इसका साइकिल चलता है। तो ये बड़ा खतरनाक टाइप का ये हम लोग को दिख रहा है, ईट फ्रॉम इट साइड, किल इट, स्प्राउट आउट एंड टारगेट नेक्स्ट बग। तो ये स्पेसिफिकली स्टिंक बग के लिए ही ये है। तो बाकी डिटेल्स इसमें निकला हुआ है, हमारे काम का ये है कि स्टिंक बग जो होते हैं वो फ्लावर और फ्रूट्स के प्लांट को, सोयाबीन, ग्रीन बीन्स, एप्पल, पियर, टीम, ये सबको जो होते हैं इनको वो डैमेज करते हैं। तो डैमेज करते हैं तो इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड को छिड़का जाता है। तो वो अभी हमारे साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि क्या इस फंगस को यूज कर लेंगे ताकि बिना किसी पॉल्यूशन के और ये जो होगा ये कंट्रोल हो जाएगा स्टिंक बग। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग कर पाएंगे तो बोलेंगे बायो कंट्रोल, तो ये बायो कंट्रोल हो पाएगा। तो क्या इसको बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एजेंट जैसा यूज कर पाएंगे ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसका में और भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी कुछ है, जैसे इसमें विटामिन सी, फेनोलिक कंपाउंड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट इस फंगस में। इसके अलावा इसमें कॉर्डेसिपिन नाम का एक केमिकल भी होता है जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है। तो ये एक हम लोगों को मिला एक फंगस जो बायो कंट्रोल एजेंट जैसा काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये कैटरपिलर्स है, ये कैटरपिलर जो है इनको चींटियां खा सकती हैं, मतलब कई सारे कैटरपिलर्स को खाते भी है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का एक कैटरपिलर कुछ इस तरह से इवॉल्व हुआ है, ये बटरफ्लाइज ऑफ द फैमिली लाइसेनिडी नोन एज ब्लूज एंड हेयर स्ट्रिक, हम लोग वहाँ भी देखे ही थे इसी तरह का कुछ नाम। तो ये कुछ इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि इनको चींटियाँ नहीं खाएंगी ये जो, बल्कि इनके अंडों को, हाँ इनके अंडों को वो प्रोटेक्ट ही करेंगी। तो ये जो बटरफ्लाइज है ये
अंडे चींटियों का जहाँ पे जहाँ मिट्टी में उनका घर होता है नेस्ट, वहाँ पे वो अंडा दे देंगी, और अंडा दे देंगी तो उस अंडा को बचाने का काम जो होगा वो चींटियाँ करेंगी एग्रेसिवली, और इनके जो बच्चे होंगे एक्चुअली वो चींटियों के नेस्ट में ही रहेंगे और उनको उसी तरह से केयर किया जाएगा जिस तरह से वो अपने बच्चों को करते हैं। तो क्यों, अब साफ सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि इनमें एक ड्यू पैचेज होते हैं जिसमें से कार्बोहाइड्रेट ड्यू पैचेज, जिसको नेक्टार ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट रिच सिक्रेशन होते हैं, तो वो जो चींटियाँ होती है उस सिक्रेशन को खाती है। तो इस तरह से ये ऐसा इवोल्यूशन हुआ है कि ये बटरफ्लाई का भी साइकिल चलता रहता है और ये एंट्स का भी चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात बताइए कि ओजोन का जो ओजोन पॉल्यूशन किस मौसम में ज्यादा होता है? ओजोन पोल्यूशन किस मौसम में ज्यादा होता है? पिछला बार हमें क्वेश्चन भी दिए थे, आश्चर्य का बात है कि सारे लोग गलत हो गए। पिछली बार एक क्वेश्चन भी था, ये समर का पोल्यूशन है, ये सौरभ एक दिन एक क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि ये विंटर होगा कि समर होगा, पता नहीं यहाँ पूछा या मेरे से पर्सनली पूछा। तो ये जो है ये समर के सीजन का पोल्यूशन है। हम बात किए थे शायद आप लोगों से कि जब हम लोग पोल्यूशन का बात करते हैं तो जनरली विंटर में होता है PM2 और बाकी स्मॉग से सब होते हैं, बट दिस पार्टिकुलर पोल्यूशन इज इन समर। ठीक, लास्ट में तीन आंसर आया समर। दिस पार्टिकुलर ओजोन पोल्यूशन इज ए समर, इसमें हीट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो ये बात बताइए कि ओजोन जो पोल्यूशन होता है तो कौन सा, मतलब कहाँ, कौन सा ऐसा हमारा इंडस्ट्री है जो ओजोन को से इमिट करता है, या कैसे होता है ये कैसे पोल्यूशन होता है, ये इमिशन कहाँ से है? क्या गाड़ियां ओजोन निकालती हैं या रेफ्रिजरेटर निकालता है ओजोन? अच्छा एक बात यह बता दे रहे हैं कि ओजोन जो है वो डायरेक्टली कोई नहीं निकालता है। ठीक, न नो कोई भी इंडस्ट्री जो है ओजोन को इमिट नहीं करता, तो इस तरह से ये इमिशन वो दूसरा टाइप का है, बाकी तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है। कैसे इनडायरेक्ट है? जो परफ्यूम्स वगैरह है, डिओड्रेंट है, या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है, ये हीट में गर्मी के कारण ये ओजोन प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा, मतलब ओजोन जो होगा डायरेक्ट कोई इमिट नहीं करता, इमिशन ऐसा नहीं है, लेकिन इमिट कुछ और होता है और वहाँ से ओजोन में कन्वर्शन होता है। तो हमारे कारों में ओजोन हो सकता है क्योंकि हम कार के अंदर में परफ्यूम लगाए हुए हैं। हाँ, तो वो यहाँ पे पिछला बार भी आया था, आप लोग को पता है, न्यूज इसलिए चल रहा है कि NO2 तो कम हो रहा है, PM2 कम हो रहा है, बट ओजोन जो हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक,
तो ओजोन जो है वो एस्ट्रेटोस्फेयर में, ये हमारी धरती है, ट्रोपोस्फेयर और एस्ट्रेटोस्फेयर। तो एस्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का होना अच्छा है, ये हम लोगों को किससे बचाएगा, ओजोन किससे बचाएगा? ठीक, हम लोग यूवी रे से बचाएगा। लेकिन अगर ये ट्रोपोस्फेयर में हो जाए, यानी निचला लेयर में हो जाए, तो इट इज पॉल्यूटेंट, तो ये ट्रोपोस्फेयर में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकते हैं। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम हो रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर कम हो रहे हैं, बट ओजोन बढ़ रहा है। ठीक, तो वार्मर मंथ्स में ओजोन सारी दुनिया में बढ़ते हैं, वार्मर मंथ्स में बढ़ते हैं। ठीक है, इंक्रीज ड्यूरिंग नो नोन टू इंक्रीज ड्यूरिंग वार्मर मंथ्स। ठीक, और क्लीनर एरियाज में बढ़ जाते, बात करेंगे। तो इट इज नॉट डायरेक्टली इमिटेड बाई एनी सोर्स, बट इट इज फॉर्म बाई फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये सनलाइट और हीट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो ओजोन को प्रोड्यूस करेंगे। हम बोल रहे थे कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं प्रोड्यूस करता है, ये गर्मी से प्रोड्यूस होता है। अगर इन्वायरमेंट में एनओ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो तो। एक जो पॉइंट नया आपको अभी बता रहे हैं कि एनओ टू हीट में ये ओजोन को प्रोड्यूस होने देगा, ये सही बात है। लेकिन एनओ टू अगर बहुत ज़्यादा हो, जो इसमें आर्टिकल में आ रहा है बात, तो वो ओजोन का मॉपिंग अप भी करता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड का कम हो जाना अपने आप में ओजोन को बढ़ा भी देगा। मतलब ये दोनों तरह का बात है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से गर्मी के कारण ओजोन बढ़ता है, लेकिन कहीं पे अगर ओजोन है और वहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं तो वो ओजोन को खत्म भी कर देगा। ठीक, तो मॉप सेटअप, तो आप देख रहे हैं, एक बात ये उठ रहा है कि आखिरकार आजकल ओजोन क्यों बढ़ रहा है, सारे के सारे पोल्यूशन कम हो रहे हैं और ओजोन बढ़ रहा है। तो एक रीजन ये भी है कि चूंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम है, जो ओजोन को मॉपिंग अप साफ कर सकते हैं, वो नहीं है एनवायरनमेंट में, गाड़ियां नहीं चल रही है, तो इसलिए ओजोन जो है वो बढ़ रहा है। हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ वहाँ पे वो बना, बनने के बाद वहाँ से अगर ऐसा एरिया में चला जाए जहाँ पे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, तो वहाँ पे वो सरवाइव करेगा, ओजोन पॉल्यूशन हो जाएगा। तो ओजोन दैट एस्केप्स टू क्लीनर एरियाज, क्लीनर एरियाज में जहाँ पे ये है, यहाँ पे तो वो गोल गोल घूमता रहेगा, लेकिन तो जहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है, जब कैनाबलाइज इसको खा जाए, तो ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ओजोन का बढ़ने के पीछे एक नया कारण पता चला है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का कम होना। तो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ये ज़्यादा इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, और जैसा बताए गर्मी में ज़्यादा आ भी जाएंगे और रिएक्शन होकर के ओजोन निकलेगा भी, तो इससे क्या होगा, अर्बन ओजोन लेवल बढ़ेगा।
चलिए बाकी आप पढ़िएगा। एक नया वायरस दिख रहा है, G4 फ्लू वायरस, दिस इज स्वाइन फ्लू, दिस इज स्वाइन फ्लू, G4 फ्लू वायरस। तो आप लोग बताइए स्वाइन फ्लू है तो किस एनिमल को इन्फेक्ट करता होगा। ठीक, तो चाइना में ये कर रहा है, एक सर्वे चल रहा है आजकल, तो वायरस को लेकर के काफ़ी अलर्ट है। तो G4 नाम का एक वायरस मिला है जो 2009 में एक जो फ्लू पैंडेमिक आया था H1N1 वाला, उससे मिलता जुलता है। तो ये लोगों को अलर्ट किए हैं कि ये ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स जैसे AC रिसेप्टर्स उसमें भी बाइंड कर सकते हैं। ठीक, G4 एस्ट्रन हैज कैपेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग टू ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स, और ये ह्यूमन एयरवेज में अपने आप को कॉपी भी कर सकते हैं। और फेरेट्स, ये बिल्ली वाला ग्रुप के जो जानवर है उनको इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक अलर्ट है एक तरह का कि H1N1 टाइप का एक फ्लू जो है वो पिग्स में पाया जा रहा है जो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। हालांकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के चांसेस कम है, बट पिग में एक बार आ जाए तो पिग टू ह्यूमन को ट्रांसमिशन होने के चांसेस रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोविड ये जो अभी इन्फेक्शन हो रहा है कोविड का, तो बच्चों को जो इन्फेक्शन हो रहा है तो कई सारे बच्चों को कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं जिन सिम्टम्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कावासाकी डिजीज। तो ये सिंड्रोम जैसा है। तो कावासाकी डिजीज में क्या होता है कि बॉडी में रैसेज होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, और भी होते हैं कुछ, वो आगे हम बता रहे हैं, लेकिन बाकी कावासाकी डिजीज के जो सिम्टम्स है वो एबसेंट है, लेकिन बच्चों में ये रैसेज और इन्फ्लेमेशन मिल रहे हैं। तो ये बच्चों में ज़्यादा मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चों में मिले हैं जो कि कोविड के लिए नेगेटिव है। तो कोविड के लिए नेगेटिव है, इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि कोविड के लिए पॉजिटिव हुए होंगे, फिर ठीक हो गए होंगे तो नेगेटिव हो गए होंगे, बट सिम्टम्स जो हैं उनके दिख रहे हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह। तो इसको WHO बोल रहा है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो ये क्या है, ये बच्चों में ही दिख रहा है, चिल्ड्रन रेड आईज रैसेज। कावासाकी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, कावासाकी डिजीज जो है बच्चों में होता है, रेड आईज रैसेज स्वेलन टंग्स एंड रेडेंड लिप्स। तो इसके हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी टंग भी बोलते हैं। तो स्ट्रॉबेरी टंग जो अभी हम बोल रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी टंग कोविड में नहीं हो रहा है, कावासाकी डिजीज के बाकी सिम्टम आ रहे हैं, रेड आईज रैसेज, लेकिन ये जो स्ट्रॉबेरी टंग है ये नहीं आ रहा है। मतलब कि लिमिटेड टाइप का कुछ इन लोगों को सिम्टम्स मिल रहे हैं। तो ये टर्म को टोमी साकू कावासाकी के नाम पर दिया गया, जो 1961 में एक 4 साल का बच्चा में ये ऐसा सिम्टम मिला था। तो कावासाकी जो होता है जनरली 5 साल से कम के बच्चों को जनरली होता है, लेकिन कोविड के केस में ये एडोलेसेंट में भी दिख रहा है। स्ट्रॉबेरी से टंग जो है वो रेयर दिख रहा है कोविड के केस में, और कोरोनरी चेंजेस जो है जो कावासाकी में होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं।
ये सब जो कंडीशंस आ रहे हैं इसके लिए जो ट्रीटमेंट है दैट इज सिम्टोमेटिक। एक्चुअली पूरा का पूरा जो हमारा ये का ट्रीटमेंट है कोविड का, ये तो सिम्टोमेटिक ही है पूरा। तो सिम्टोमेटिक का मतलब होता है डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं है लेकिन सिम्टम दे करके देते हैं। इन्फ्लेमेशन तो इन्फ्लेमेशन को दबाने का दवा दे दो, अगर बुखार है तो बुखार को दबाने का दवा दे दो। तो ये सिम्टोमेटिक इलाज जो है ये हो रहे हैं। आजकल तो मार्केट में पैरासीटामोल नहीं मिल रहा है, आप लोगों को पता चला होगा। अगर आप पैरासीटामोल खरीदने जाएंगे तो आपका एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह वो लेगा। तो अभी बहुत बड़ा टाइट हो गया है, बिहार में तो लॉकडाउन हो गया 15 दिन का, और बड़ा तेज़ी से फैल रहा है सब कुछ। बस तो 9 लाख क्रॉस हो गया, उनको लगता है कि ये वीक कंप्लीट होते होते 10 लाख पार। अच्छा आगे चलते हैं। कई सारे नए नए न्यूज आ रहे हैं कोविड के, ये ब्लड प्लेटलेट्स में कुछ चेंज कर दे रहा है कोविड, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स, ये ब्लड प्लेटलेट्स आप लोगों को पता होगा कि ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये लगता है कि जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उससे प्लेटलेट का कुछ जीनेटिक चेंजेज आ रहा है प्लेटलेट में, और ये हाइपर एक्टिव हो जा रहा है जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग, डेंजरस ब्लड क्लॉट हो रहा है। मतलब ये जो है कोविड से ये पता चला है कि प्लेटलेट जो है वो जेनेटिकली चेंज हो जा रहे हैं, और इस कारण से वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं और ब्लड क्लॉटिंग के चांस हो जा रहे हैं। और ब्लड क्लॉटिंग अगर चांस होगा तो हार्ट अटैक अगर भी आएगा। चलिए एक बार हम बार बार ये रखते हैं, इस तरह का न्यूज़ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हालांकि बार बार पढ़ते हैं फिर भी, कि हर बार ऐसा हो रहा है कि कोई न्यूज ऐसा आता है जो सब कुछ को इकट्ठा दे दे। तो ये आपको पता है ना एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन किसी को पता है? एजिथ्रोमाइसिन, हाँ एजिथ्रोमाइसिन क्या है? हार्ट अटैक जो होता है उसमें हार्ट का टिश्यू को ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, तो इससे चेस्ट वो पेन होने लगता है और हार्ट के टिश्यू डैमेज होते हैं। स्ट्रोक में क्या होता है? ब्रेन में ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। अच्छा तो ये हो गया हमारा एजिथ्रोमाइसिन, इट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को ट्राई किए हैं कोरोना में, ठीक। राइटर बोल रहा है कि ये ट्राई नहीं करना ही ठीक है क्योंकि इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ब्लड थिनर्स, तो ब्लड थिनर्स जो होंगे, एक ब्लड थिनर का नाम बताइए। ठीक है, हेपारिन। तो ब्लड थिनर भी देते हैं क्योंकि कोविड के पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग देखा जाता है। अब ब्लड क्लॉटिंग क्यों देखा जाता है तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग इसलिए देखा जाएगा कि प्लेटलेट में हाइपर एक्टिव हो गए हैं, अभी बात की है, तो इसीलिए ब्लड थिनर देते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जो है पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा तो ये ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये काम कर सकता है, हालांकि इसमें आरसीटी अभी हुआ नहीं है, ठीक। तो ये हो गया हमारा ब्लड थिनर। एक एस्पिरिन जो होता है ना, डिस्पिरिन एस्पिरिन, वो भी ब्लड थिनर ही होता है। तो ब्लड थिनर पॉसिबली काम करेगा इसमें, इस तरह से इसमें बात किया है कि कौन काम कर सकता है कौन काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बीसीजी। तो बीसीजी का वैक्सीन बताइए किस बीमारी के लिए दिया जाता है? बीसीजी का वैक्सीन किस बीमारी के लिए दिया जाता?
टीबी, यह सही है, बच्चों में दिया जाता है तो बीसीजी इंडिया में लगभग सबको दिया जाता है। लेकिन आपको, अच्छा एक बात बताइए कि बीसीजी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना बीसीजी के बारे में, तो आप बताइए कि हम लोग शुरू से जो पढ़ रहे थे, जो एकदम शुरू से क्लास कर रहे हैं, वो जो पढ़े थे वो आज के दिन में वो वैलिड है या नहीं है? बस अब जो लोग पढ़े थे वही लोग बता पाएंगे कि बीसीजी के बारे में बहुत पढ़े थे, जो इटली में बहुत फैल रहा था, इटली में ठीक, स्पेन में, तब एक आर्टिकल आ रहा था कि बीसीजी जो है लगता है काम कर रहा है, तो अभी वो वैलिड है कि नहीं है? हाँ अब वैलिड नहीं है, उसे बात रहता है अरे इंडिया में नहीं फैल रहा है, श्रीलंका में नहीं फैल रहा है, लोग सब बीसीजी का टीका लिए हुए हैं, तो अब तो हम लोग 3 नंबर पे आ गए हैं, तो 3 नंबर पे आ गए तो अब क्या बोलेंगे कि ये वैलिड है? तो ये जो है हम लोग को नहीं बचा पाया, तो इसको तो अब छोड़ ही देते हैं। विटामिन सी लोग खूब खा रहे हैं आजकल, खूब ठीक, ये काम नहीं करता है, सीधा सा बात, ठीक काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ विटामिन डी, तो विटामिन डी भी आजकल लोग खा रहे हैं लेकिन ये काम नहीं करता है, ठीक पर समझते जाइएगा, है ना, आपके आसपास में। खैर ये हम एक बात नोटिस किए कि हम लोग कितना भी पढ़ ले लेकिन लोग नहीं समझेंगे, आप कितना भी लॉजिकली बोल दीजिए, और लोग वो स्वसारी रसायन लाएंगे ही, और वो अणु तेल जिसको वायरस को फिसला फिसला के नाक से पेट में गिराएंगे, और कोरोनिल या लहसुन का पेस्ट और दालचीनी, अब तो हमारे प्रधानमंत्री ही बोल दिए कि यूरोप के लोग जो है खूब मसाला खा रहे हैं अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो लोग वो करेंगे, हालांकि ये सब चीज़ आप देखते जाइए ये सब काम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। फावी पीरावीर जो है ये कुछ हद तक काम करते हुए पाया गया है, हाँ कुछ काम करते हुए पाया गया है, बट अभी रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। ये भी बता दे कि फावी पीरावीर जो है ये काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है, मतलब ये हजारों रुपया का खर्च होगा, इंजेक्शन पड़ेगा, तो लेकिन ये मरता हुआ आदमी पर नहीं काम कर रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में काम कर रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट में। लेकिन प्रॉब्लम वही आ गया बाबा वाला कि माइल्ड टू मॉडरेट वाले तो अपने भी ठीक हो जाते हैं, आरसीटी की जरूरत पड़ेगा, बट स्टिल कुछ साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि लगता है काम कर रहा है, तो फाइव पर, लेकिन इसका कीमत काफ़ी ज़्यादा है, और ये आजकल इसको थोड़ा प्रमोट करने का कोशिश भी किया जा रहा, बात करेंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्रंप का दवा है, ट्रंप इसको खाना बंद कर चुके हैं, तो अब बाकी लोगों का क्या बोले, ठीक ये काम नहीं करता है, अब ये प्रूफ है। तो ये मतलब एजिथ्रोमाइसिन और इसको जो ट्रंप बोले थे, ये हमारा, हाँ थोड़ा बात इधर उधर का करते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशंस हैं ना, ये करते हैं, आते हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, और आने के बाद ये सब कुछ बन जाते हैं, ये बन जाते हैं साइंटिस्ट, ये बन जाते हैं लेखक, ये बन जाते हैं कवि, ये बन जाते हैं हिस्टोरियन, ये सब कुछ बन जाते हैं। तो ये हमारे ट्रम्प हैं जो ये साइंटिस्ट भी बन गए थे, मतलब डॉक्टर लोगों से साइंटिस्ट से पहले ही घोषणा कर दिए दो दवा तो काम कर ही रहा है, तो ये स्पेशल लोग हैं। एक हमारे बगल वाले देश के प्रधानमंत्री ओली, ये हिस्टोरियन बन गए हैं, ये बोल रहे हैं कि अयोध्या तो हमारे नेपाल में ही था, वो तो झूठा नेपाल है, असली नेपाल तो वाल्मीकि नगर में है। तो सब जो है एक से एक महान लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं। अच्छा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आगे बढ़ते हैं। इवरमेक्टिन, तो इवरमेक्टिन ये क्या काम आता है?
इवरमेक्टिन। अच्छा बात करते हैं, अच्छा पहले इसको बताइए फिर बात करते हैं, योर मैक्स से ये किस चीज का है। एक आंसर आया, यस इट इज एंटी पैरासाइटिक ड्रग। तो एंटी पैरासाइटिक ड्रग है तो मानते हैं कि चलिए आप लोगों को यह दवा मिला है, तो आप क्या गेस करेंगे कि आपको क्या हो गया है। क्या गेस करेंगे क्या हुआ। हाँ वो ये पेट में कीड़ा हो गया है, तो ये जो दवा होगा इवरमेक्सिन मिलेगा, तो ये भी इसका भी न्यूज आ रहा था ये काम नहीं करता। नहीं पारासाइट का तो पारासाइट बोलेंगे तो फिर तो सही हो जाएगा, बट वोम्स ठीक है। अच्छा तो ये काम नहीं करता है ठीक। ये राइटर बहुत बता स्पेसिफिक स्पेसिफिक बता दिया है कि क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा। अब आगे आगे मिसलेनियस क्योर्स, तो मिसलेनियस क्योर्स में क्या है, लहसुन का पेस्ट, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी, काढ़ा, कोरोनिल और आर्सेनिक ठीक। तो ये जो है और इम्यूनिटी बढ़ाना आजकल खूब चल रहा है। हाँ अमीबा भी हो सकता है, अमीबा भी हो सकता है। अच्छा तो ये जो है लेकिन अमीबा के लिए काम करता होगा, हमको चांस कम लग रहा है, वो उनके लिए होगा। अमीबा हो सकता है, खैर अभी अब नहीं बोल पाएंगे, आगे बढ़ते हम लोग। तो ये जो है ये फिर इम्यूनिटी बढ़ाने का आजकल खूब चल रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने का। एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा हम और भी इंसाइट दे रहे हैं कि आपका इम्यूनिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे है, हो सकता बढ़ा करके यहाँ कर ले। अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें ओम कहीं बात लिखा हुआ था, तो इसमें इसमें ओम्स ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो है ये आप यहाँ से बढ़ा के यहाँ कर लीजिए, लेकिन यहाँ से बढ़ा के अगर आप सोचेंगे हम यहाँ ले जाएंगे तो हो सकता हो नहीं, ह्यूमन बीइंग है तो वो आप कितना भी खाते रहिए, तुलसी खाते रहिए, लहसुन खाते रहिए, वो यहीं पे रहेगा। तो ये जो है कि मेरा इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे हर हालत में, और आपका पहले पहले ही इम्यूनिटी यहाँ पे हो तो खाते रहिए ठीक। वही बात होगी अपना हाइट बढ़ाने का दवा खाते रहेंगे थोड़ा हाइट बढ़ जाएगा, लिमिट तक ही जो होगा सो होगा। तो ये इम्यूनिटी वाला जो चक्कर है बड़ा हमको बड़ा खतरनाक लग रहा है, और तो सबका दिमाग में इम्यूनिटी बड़ा भयानक छाया हुआ है। और एक पॉइंट और भी है कि बहुत ज्यादा इम्यूनिटी से तो लोग मर भी रहे इसमें ठीक। वो इम्यून सिस्टम का अधिक एक्टिव हो जाना, साइटोकाइंस कीमोकाइंस, उससे तो लोग मर भी रहे हैं। तो ये जो है ना ये चक्कर बड़ा खतरनाक है आजकल, जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी सब चिल्ला रहे हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इसके बारे में बोल रहा है कि ये काम नहीं करेगा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा एक दवा जिसका नाम है ओसल्टामिविर। तो इसको भी ट्राई किया जा रहा है लेकिन ये भी काम नहीं करेगा। प्लाज्मा थेरेपी को ट्राई कर रहे हैं सना, दवा से हाइट नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा सिंपली। हाँ अगर मैल न्यूट्रिशन है तो, मैल न्यूट्रिशन खत्म कर देंगे तो वो हाइट बच्चा पकड़ लेगा, एक हाइट पकड़ लेगा। अगर वो एज जो है उसका अभी 14 या 13 के आसपास में है तो, लेकिन एक एज के बाद इम्पॉसिबल है कि हाइट बढ़ा दिया जाए। हाइट बढ़ाने वाला दवा, पतला करने वाला दवा, मोटा करने वाला दवा। हाइट बढ़ाने तो काम ही नहीं करेगा, पतला
पतला करने वाला और मोटा करने वाला, पतला और मोटा तो कर देगा लेकिन साथ में और भी कुछ करेगा जो बड़ा डेंजरस होगा। तो ये इस तरह का दवा जो है, और काला करने वाला दवा खैर तो आता नहीं, गोरा करने वाला दवा ये काम नहीं करेगा। हाइट बढ़ाने वाला और गोरा करने वाला दवा काम नहीं करेगा, सीधा सा बात काम नहीं करेगा। आगे चलते हैं। तो हाँ, जीन में है और एज सही सही में आप इंटरवीन कर दिए, बच्चा का खाना जो था वो खराब हो रहा था, स्टंटिंग होने वाला था, अब खाना खिलाया वो ठीक हो गया, लेकिन वो हो चुका, बच्चा 18 साल का हो गया है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा काम कर सकता है लेकिन अभी आरसीटी अभी होने बाकी है, अभी टाइम लगेगा। रेमडेसिविर, चलिए एक बार बता दीजिए, रेमडेसिविर किस चीज़ का दवा है? एबोला का, ठीक, तो ये भी काम कर सकता है बट स्टडी हो रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या है, इसमें क्या है कि ये रिकवरी टाइम जो है वो कम कर रहा है, हॉस्पिटल स्टे को कम कर रहा है बट डेथ का चांस को कम नहीं कर रहा है। तो एक दो जो काम कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। फाविपीरावीर देखे हम लोग, माइल्ड और मॉडरेट इन्फेक्शन में ही काम कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल स्टे को तो कम कर रहा है रेमडेसिविर, लेकिन डेथ के चांस को कम नहीं कर रहा। अब फाइनल में आता है एस्टेरॉइड्स, ये थोड़े प्रोमिसिंग ड्रग है, प्रोमिसिंग ड्रग। इसमें हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, आप लोग बताइए क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो है डेक्समेथासोन, ये एस्टेरॉइड, ये काम करता हुआ कुछ दिख रहा है। ये एक तो इसका दाम बहुत कम है और ये सीवियर केसेज में, बाकी वो सब जो था वो माइल्ड केसेज में, सीवियर केसेज में काम करता दिख रहा है, लेकिन अगर इसको एकदम शुरुआत में दे दिया जाए तो हो सकता है ये उल्टा असर कर जाएगा, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं ये। तो ये स्टेरॉइड्स जो होंगे ये शुरुआत में ही देना खतरनाक भी हो सकता है, तब बॉडी फाइट नहीं कर पाएगा। आगे ये टोसिलिजुमाब, ये जो है ये रूमेटाइड अर्थराइटिस का दवा है, और ये भी अभी कंफर्म नहीं है। जिंक, तो आजकल जिंक भी लोग खूब खा रहे हैं, खूब, ठीक, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि इफेक्टिव है। तो कई सारा हम आप लोगों को दिखाए कि दवाइयाँ हैं, इसमें से एक बार फाइनल पॉइंट ये है कि डेक्समेथाजोन, रेमडेसिविर ये और ब्लड थिनर्स, ये बेनिफिशियल प्रूफ हो रहे हैं स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में। एक बात और, हमारे यहाँ पे अगर आप डॉक्टर के पास चल जाएं और डॉक्टर को पता है कि इसको कोई बीमारी नहीं हुआ है तो भी आपको कुछ ना कुछ दवा देगा, क्योंकि इंडिया में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दवा गए हैं तो कुछ दवा देगा, तो दवा देगा, तो ये दवा देगा, और मैक्सिमम लोग जो हैं अपने से ठीक हो जा रहे हैं, 80% तो ऐसे हैं जो अपने से ठीक हो जा रहे हैं, तो जो कुछ भी दवा दे दे तो आदमी ठीक हो ही जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टाइप का हो जाएगा। तो ये राइटर बोल रहा है कि इस यही आदत हम लोग को छोड़ना पड़ेगा कि अगर कुछ
कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि अगर सिम्टम असिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम्स है, तो भी दवा खाएं, ये बेकार है। तो और बाकी तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि RCT हो। एक आर्टिकल और भी था इसमें, उसको शॉर्ट करके हम इसमें डाले हुए हैं कि ट्रीटमेंट जो है प्लाज्मा थेरेपी है, रेमडेसिविर है, ये दवाइयाँ कुछ कुछ काम कर रही है। राइटर ये बोल रहा है कि रेमडेसिविर को खूब जो है वो मार्केटिंग किया जा रहा है आज के दिन में कि ये जैसे काम कर रहा है। राइटर बोल रहा है जो डेक्समेथाजोन है, ये डेक्समेथाजोन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उस हिसाब से, और वो बहुत चीप है और रेडिली अवेलेबल है। 10 रुपया पर पेशेंट जो होगा ये पड़ेगा इसका कॉस्ट। तो राइटर बोल रहा है कि डॉक्टरों को, मतलब फार्मेसी कंपनियां तो चाहेंगी कि रेमडेसिविर कहीं प्रचार हो जब तक के लिए कोई दूसरा इलाज नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें वो हजारों रुपए कमाएंगी। अगर रेमडेसिविर यूज करेंगे तो 10,000 रुपी पर कोर्स। ये कहाँ 10 रुपया और कहाँ 10,000 से भी ज्यादा। तो ये वाले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो चाहेगा कि रेमडेसिविर कहीं प्रमोशन हो, लेकिन ये बोल रहा है कि फिजिशियंस को उसके जगह में डेक्समेथाजोन के बारे में ज्यादा बात करना चाहिए। हाँ, अब भारती का पॉइंट पे आए। रसिया में ट्रायल हुआ है, अभी लंबा चलना है। ये लोग भले बोल रहे हैं सितंबर तक ले आएगा, लेकिन जो टाइमलाइन हम इसमें पढ़ पा रहे हैं, इसमें जो दवाइयाँ सबसे पहले, वो mRNA वाला वैक्सीन है और एक CH करके एक नाम था, वो लोग सबसे सबसे आगे आगे चल रहे हैं। उनका भी 6 महीना से पहले का कोई चांस वो लोग भी नहीं बता रहे हैं। तो बाकी जितने भी अनाउंसमेंट्स है इसका, इसमें मतलब होपफुल रहना ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के उम्मीद कम है सितंबर तक, मतलब हम तो मतलब पुराना जो न्यूज़ पढ़े थे उस हिसाब से अक्टूबर तक कोई चांस नहीं है कि आ जाए, लेकिन अभी धीरे धीरे करके लग रहा है कि इस साल का भी चांस रेयर रेयर है। मतलब अक्टूबर तक तो भूल ही जाइए, और इस साल का भी कोई हमको दिख नहीं रहा है कि कुछ उम्मीद। वो जो सबसे आगे आगे चल रही हैं वो अगला ही साल का बिगनिंग में लॉन्च हो पाएंगी। अच्छा, आगे देखते हैं। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। हर्ड इम्यूनिटी अगर आ जाएगा, 60% लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो बीमारी जो होगा फिर किसी को नहीं होगा। लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्पेन में एक स्टडी हुआ है, सेरोपिडमोलॉजिकल स्टडी, मतलब कितने लोगों में एंटीबॉडी बन गए हैं। तो स्टडी में 66,000 पार्टिसिपेंट को यूज किया है, तो जिन लोगों में एंटीबॉडी बन गए हैं वो केवल और केवल 4.6% या 5% के आसपास में है। यानी कि स्पेन में जहाँ पे बीमारी फैला था, जहाँ लॉकडाउन हुआ था, वहाँ पे 5% लोग ही उससे प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं, बाकी 95% एक्सपोज्ड है। यानी कि बड़ा स्केल में फैलने के बावजूद भी 5% लोगों में ही इम्यूनिटी डेवलप हो पाया है। तो ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग इस बेसिस पे चले कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा। और ये बात है कि इसका जो इम्यूनिटी है वो इनकम्प्लीट और टेम्प्रोरी जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ महीना या कुछ साल। तो ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी आना मुश्किल है। फिर वैक्सीन भी कैसे काम करेगा वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। WHO ये मान गया है, हम लोग यहाँ पर कई दिनों से, 2 महीने से चर्चा कर रहे हैं कि ये एयर टू एयर ट्रांसमिशन का चांस है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग लगातार ही पढ़ रहे हैं कि एरोसोल ट्रांसमिशन इसका जरूर हो रहा होगा। और इसमें जब 239 साइंटिस्ट WHO को लिखे कि हम लोग के पास ऐसा एविडेंस है कि एरोसोल ट्रांसमिशन हो रहा है, और आप बोलिए कि हो रहा है, तो WHO अपना गाइडलाइन निकाला और बोला कि हाँ, ये एरोसोल ट्रांसमिशन हो रहा है 2
239 साइंटिस्ट फ्रॉम 32 कंट्री WHO को लिख के दिए कि एरोसोल ट्रांसमिशन के बारे में बगुली आपकी हो रहा है, और वो फाइनली बोला कि हाँ हो रहा है। तो एरोसोल ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो कुछ कुछ पढ़ते हैं हम लोग। अगर 5 to 10 माइक्रोन के अगर हम लोग छींकते हैं, और जो हमारे ड्रॉपलेट्स है अगर 5 to 10 माइक्रोन्स के है, तो इनको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो आप 1 मीटर 1.5 मीटर तक ही वो कैरी करेंगे, क्योंकि हवा में वो गिर जाएंगे। लेकिन अगर उससे छोटे हुए तो ठीक, तो ये इनको बोलेंगे हम लोग ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है ये, इससे अगर ट्रांसमिशन हो रहा होगा, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से अगर हो रहा हो ट्रांसमिशन, तो हम बोलेंगे कि क्यों इसको हम बोलेंगे कि एरोसोल ट्रांसमिशन है, एयर टू एयर ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियाई है ये हवा में तैर सकता है। हम लोग बहुत पहले पढ़े थे कि 3 घंटा तक वो कई जगह में देखे हैं कि वो सर्वाइव कर रहा है कोरोना हवा में। तो अब खैर ये बात को तो वो मान ली WHO। और विद कैवीट्स बोले कि और स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल टेम्पोरली मान लेते हैं कि ये एरोसोल ट्रांसमिशन हो रहा है। तो हमारा क्या, इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? असर ये पड़ता है कि हम लोग जो मास्क पहन रहे हैं वो मास्क तब उतना इफेक्टिव नहीं होगा। होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, बट इसका मतलब कि N95 मास्क जो है वो हम लोग को पहनने की जरूरत पड़ेगा, ताकि वो छोटा से छोटा पार्टिकल्स को भी वो हटा दे। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर एरोसोल में है तो ये जो होगा ये हम लोग को मास्क हम लोग को बचा दे। देखिए प्रोटेक्ट तो मास्क जरूर करेगा, कुछ नहीं पहनने से तो जरूर ही अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई ये सोच ले कि मास्क हम पहने हमको कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं, मास्क पहन के अगर निकल रहे तो आप देखिएगा, अगर आप एस्पेक्स पहने हुए हैं तो आपका कई बार एस्पेक्स में वेपर आ जाएगा। तो अगर वेपर आ रहा है इसका मतलब आपका सांस उस मास्क से आप नहीं ले रहे हैं, ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से छोड़ रहे हैं। हाँ, अरे मास्क भी कॉटन मास्क भी टायरिंग है। अगर आप हम बोले तो इसलिए टायरिंग मास्क नहीं है क्योंकि हमारा नॉर्मल मास्क, क्योंकि हम हवा ऊपर से भी ले रहे हैं, ऊपर से टान ले रहे हैं। अगर मास्क सही में नाक में अगर एक फिल्टर का काम करे तो सांस लेना वैसा काफ़ी डिफिकल्ट होगा। कुल मिलाकर के मतलब प्रॉब्लम्स हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी कहना है WHO का कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, और फोमाइट ट्रांसमिशन का मतलब होता है सरफेस, कि कहीं सरफेस पे गिरा हुआ था, आप वहाँ पे हाथ रख करके उठा करके मुंह में एक बार लगा लिए, या तो ये फोमाइट ट्रांसमिशन। तो ये दो ट्रांसमिशन जो होते हैं वो ज़्यादा है, लेकिन एरोसोल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। बाकी तो आप लोग पढ़िएगा कुछ। बाकी एविडेंस कुछ है, आगे देखते हैं। अभी शुरू शुरू में हम लोग पढ़ रहे थे तो एक बात उठ रहा था कि जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों को चांस रहेगा कि ज्यादा इन्फेक्ट करेगा, ज्यादा मरेंगे। नहीं, ये रिलेशनशिप टूट गया है। अस्थमा जिन लोगों को है वो लोगों को हाई रिस्क नहीं है कोविड होने का, और ज़्यादा सीवियर इलनेस का भी चांस नहीं है। जैसे नॉर्मल लोगों को हो रहा है वैसे ही हो रहा है। तो रिस्क फैक्टर क्या है, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी कुछ डिजीज होगा, ये कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होना चाहिए, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब जो है रिस्क फैक्टर है। तो क्या कारण हो सकते हैं कि ये लोग ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं हो रहे अस्थमा वाले? एक कारण तो यही हो सकता है कि अस्थमा वाले डर गए हैं,
कि हमको होगा तो क्या होगा, तो वो ज़्यादा केयरफुल रह रहे हैं। हो सकता है उस कारण से उनको होने का जो रेट जो ज़्यादा होता वो रेट ज़्यादा नहीं है। एक और भी बात है कि अस्थमा जो होता है वो अस्थमा जनरली यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा होता है, और जो इसमें जो लोग ज़्यादा मर रहे हैं या ज़्यादा प्रोन है वो ज़्यादा एजेड है। तो अस्थमा वाले अगर बोलेंगे, अस्थमा वाले को कम मतलब वैसा मतलब ज़्यादा प्रोन नहीं है, तो एक रीज़न तो ये है कि उनका एज कम है बाकी जो लोग ज़्यादा सिक हो रहे हैं वो उनके मुकाबले। अब ये वैक्सीन का फाइनल बात आ रहा है, जस्ट मिनट, तो वैक्सीन बनाना आसान नहीं है। आपको पता है कि एक बात तो यहाँ पे हम बोल ही दे कि ये जो हमारा देश में जो 15 अगस्त का टाइमलाइन दिया गया ये बड़ा ख़तरनाक बात है। ये टाइमलाइन नहीं दिए जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि इस बात का गारंटी भी नहीं है कि कोविड का वैक्सीन बन ही जाएगा। ये गारंटी नहीं है। हम लोग गेस कर रहे हैं अगला साल तक आ जाएगा, बट हो सकता है अगला 10 साल तक नहीं आए। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगा अगर नहीं आएगा तो, क्योंकि HIV का जो वैक्सीन है 30 साल से लोग लगे हुए हैं, अभी भी फेज 3 ट्रायल में है। फेज 3 30 ईयर्स, ठीक, कुछ साइंटिस्ट तो मर भी गए होंगे। तो सबसे जो फास्ट जो वैक्सीन बना मम्प्स का, इसको माना जाता है कि फास्टेस्ट वैक्सीन, वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीन, इसमें 4 साल लगा था मार्केट में आने में। तो ये डेडलाइन को फॉलो करना ये बेवकूफ़ी से बड़ा कुछ नहीं है कि हम देश आज़ाद होने होगा, हमारा स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लॉन्च कर देंगे, ये मतलब दिस इज टोटली नॉन साइंटिफिक। तो पहले क्या होता है, वैक्सीन बनाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में भी टाइम लगता है, बट इसमें टाइम कम लगा, इसमें भी 2 से 4 साल लग जाता है। क्यों कम लगा? कम लगने के पीछे कारण है, कम लगने के पीछे कारण। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि ये कम लगने के पीछे कारण क्या है? इस बार पहला वाला जो स्टेज 1 बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें टाइम कम लगा तो इसलिए थोड़ा मतलब फास्ट हो गया, तो इसी में दो से चार साल लग जाता। क्यों कम टाइम लगा? हाँ, वो जो पुराना सार्स है वो सार्स के कारण कुछ रिसर्च हो चुके थे, उसका जेनेटिक कोड था और इसका भी जेनेटिक कोड सबसे पहले चाइना वालों को शेयर किया, और उसके बाद फटाफट इसका जेनेटिक कोडिंग हो गया। तो फर्स्ट स्टेज से हम लोग जल्दी निकल गए, ये सच बात है, तो थोड़ा फास्ट तो हुआ। इसके बाद होता है स्टेज 2 प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं इसमें एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं, सेल कल्चर और एनिमल पे। अगर एनिमल पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ और इम्यूनिटी जनरेट हुआ, ठीक, तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल खत्म हुआ, जिसको बोलेंगे स्टेज 2। तो इसे कुछ टाइम लगता है। अब स्टेज 2 के बाद आता है स्टेज 3, इसको बोलते हैं हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स। अब ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, ठीक, ह्यूमन ट्रायल्स जो होंगे इसमें अब देख लीजिए, ये यूजुअली आप मतलब समझिएगा बात को,
यूजुअली टेक्स मोर देन 90 मंथ्स, यूजुअली टेक्स मोर देन 90 मंथ्स। ठीक ना, ये छोटा मोटा चीज नहीं है कि वो फट से जादू का छड़ी घुमा के बना दिए। पहला वाला जो ट्रायल होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे होता है, इसमें ही 3 महीने लगते हैं करीब करीब, ये देते हैं वैक्सीन, वैक्सीन के बाद करीब करीब 3 महीना तक इस ट्रायल में रहते हैं और उसके बाद मेजर करते हैं एंटीबॉडी आया कि नहीं आया ब्लड में। अब आते हैं कोवैक्सीन, जिस जो हमारा इंडिया वाला है, इंडिया वाला का कोवैक्सीन का ट्रायल ही 13 जुलाई से शुरू होने वाला था, 13 जुलाई से। अगर इसमें 3 महीने का टाइम अगर फेज वन में लगा करता है तो फिर ये लॉन्च कहाँ से हो जाएगा 15 अगस्त को? ये जबरदस्ती करेंगे तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। खैर, फर्स्ट फेज से निकलने के बाद सेकेंड फेज होता है। कभी कभी हाँ जरूर फेज वन और फेज टू को कंबाइंड कर देते हैं, कई बार किए भी है, लेकिन फिर भी वो 3 महीने वाला टाइम लगेगा। नेक्स्ट फेज जो 6 to 8 मंथ लगता है इसमें। ठीक, अब ये जो होता है ये हंड्रेड्स ऑफ पीपल को देते हैं, देखा जाता है कि कोई कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो इसमें जो मॉडर्ना जो सबसे फास्ट वैक्सीन अभी चल रहा है, इसमें वो 63 डेज लिया फेज टू में, जो फास्टेस्ट अभी चल रहा है। ठीक ना, तो आप सोच लीजिएगा 13 जुलाई से 15 अगस्त कितना टाइम होता है और कैसे होगा। तो ये कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। रसिया वाला अगला बार हम बताएंगे एग्जैक्ट क्या है। हमको मतलब हमको उम्मीद करते कि बात यही आएगा कि वो टाइमलाइन जो है उसमें कुछ ना कुछ झोल है। खैर, आगे चलते हैं। थर्ड फेज में क्या होता है, 1000s of people आर इनरोल्ड और इसमें 6 से 8 महीने इसमें भी लगता है। तो ये तीन हो गया, तो फिर रेगुलेटरी रिव्यू होगा, वो देखेगा क्या हुआ, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा। मैं खैर मैन्युफैक्चरिंग अगर तो कर ही रहे हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा ये ये दोनों ही टॉप में चल रहे हैं, ये मॉडर्ना का mRNA और वो CH वाला जो जो है वो दोनों ही फास्ट चल रहा है, बट वो कंपनी का नाम कोई ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन सी कंपनी है वो, जिसमें वो एडेनोवायरस वाला। अच्छा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो ये अब ये हम कुल मिलाकर के बात जो बताना चाह रहे थे बता दिए कि ये टाइम लगेगा, ये वो उम्मीद अभी अपने आप को बचा के रखने के अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब वो आर्टिकल आ गया, कोवैक्सीन हम लोग नाम दिए हैं इसको, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से क्लिनिकल ट्रायल करने का परमिशन मिल गया है, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड बना रहा है। और ये वैक्सीन कैसा होगा वो सब समझते हैं। अभी वैक्सीन जो होगा इट विल बी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मतलब कि वायरस यूज होगा और वायरस जो होगा इनएक्टिवेट होगा, यानी मल्टीप्लाई अपने आप को नहीं कर सकेगा। ठीक, अभी फेज वन और फेज टू ट्रायल का परमिशन मिला है, वन एंड टू ट्रायल का। अब देखते हैं ये भारत बायोटेक जो है वो एस्टिमेट किया है कि फेज वन और फेज टू ट्रायल में 1 साल लगेगा। हम बोले 13 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक, 1 साल 3 महीना केवल फेज वन में लगेगा, 1 महीना। ठीक ना, अब पूरा मिला जुला के यहां पर आप देख के पूरा समझ में आ जा रहा है कि जो ये ऑर्डर ICMR का था ये कि जल्दी जल्दी कीजिए, जो नहीं करेगा उसके साथ वो मतलब
जो नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, सरकार टॉप लेवल से मॉनिटर कर रही है, ये कितना खराब बात है। मतलब भारत बायोटेक खुद 13 मंथ बोला है कि हम फेज 1 और फेज 2 में लगाएंगे, और ये सरकार जो है मतलब ICMR हमारी वो पीछे पड़ गई कि 15 अगस्त तक सब कर लो, तीनों फेज कर लो, तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक RCT पे आर्टिकल निकला हुआ है, RCT पे कई बार बात किए हैं आप लोग, बात बताइए हमको व्हाट इज प्लेसेबो, आप लोग बोलते जाइए, हम उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। व्हाट इज प्लेसेबो, व्हाट इज प्लेसेबो इफेक्ट, क्वेश्चन चेंज कर दिया, व्हाट इज प्लेसेबो इफेक्ट। कोई नहीं बोल रहा है तो हम बोल रहे हैं, या पता नहीं मैसेज नहीं आ रहा है। प्लेसेबो इफेक्ट में क्या होता है कि हमको अगर ऐसा फील करा दीजिए कि हम दवा खा रहे हैं तो हम ठीक होने लगते हैं, केवल फील कराने से, दवा नहीं खिलाएंगे, केवल ऐसा बताएंगे कि तुम दवा खा रहे हो, कुछ भी दे देंगे तो लगेगा कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेबो इफेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज कन्फाउंडिंग फैक्टर्स, कोई बता सकता है, साइकोलॉजी वाले लोग खास करके, व्हाट इज कन्फाउंडिंग फैक्टर्स। तब तक हम कुछ कुछ बना रहे हैं, आप लोग सोचिए, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दिस इज कंट्रोल ग्रुप। चलिए ये वाला सुन लीजिए, ये नया बात है, हम लोग बोल रहे हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, दिस इज एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी है, कन्फाउंडिंग कन्फाउंडिंग वेरिएबल फैक्टर्स, चलिए करते हैं कन्फाउंडिंग फैक्टर्स, समझते हैं थोड़ा। आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को अच्छा, हम थोड़ा समझा देते हैं बात को, हम उतना समझ नहीं पा रहे, आप लोग का बात से नहीं क्लियर हमको हो रहा है, हम समझा दे रहे हैं। आप क्या किए कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप कोवैक्सीन दिए और आप जो कंट्रोल ग्रुप है उसको चीनी खिला दिया, शुगर टैबलेट, वो उनको पता भी नहीं, उनको लगा कि दवा खा रहे हैं, दवा बोल करके आप खिला दिए, तो ये यहां पे जो हुआ, अच्छा चलिए अब समझते हैं, ये जो है ये यहां पे जो दवा यहां पे शुगर खिलाए, दिस इज प्लेसेबो। अगर मान लीजिए कि दोनों ग्रुप ही ठीक हो गया बीमारी से तो बोलेंगे प्लेसेबो इफेक्ट था, ये तो लोग दोनों सोचे कि दवा खाने से ठीक हो गए, लेकिन ये ग्रुप ठीक हुआ और ये ग्रुप ठीक नहीं हुआ तब हम बोलेंगे प्लेसेबो इफेक्ट नहीं, दवा का असर है, क्योंकि दोनों फील की दवा खाएंगे, फिर केवल दवा खाने वाला क्यों ठीक हुआ, तो हम लोग बोलेंगे दवा काम किया। लेकिन आप एक बात और सोचिए, आप ये सोचिए कि ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ये सारे के सारे जो है इनके घर में AC नहीं है, ये गर्मी में
दिन रात रहते पसीना होते रहते हैं, और ये ग्रुप है वो एसी में हमेशा रहता है, हमेशा ठंडा ठंडा रहते हैं। और अब मान लीजिए कि कंट्रोल ग्रुप ठीक नहीं हुआ और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ठीक हो गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बहुत गर्मी और बहुत पसीना से बीमारी ठीक हो रहा हो कहीं बाई चांस, तो हम बोलेंगे जो गर्मी है पूरा रिजल्ट को खराब कर दिया। दोनों ग्रुप समान चुने थे, सब कुछ ठीक ठीक किए थे, बट ये दिमाग में नहीं आया कि अरे रहते अलग अलग जगह पे हैं और इनका वो भी हो सकता है उसके कारण बीमारी पर असर पड़ता हो। तो अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो रिजल्ट पे असर डालता हो, कोई ऐसा वेरिएबल है जो रिजल्ट पे असर डालता हो और उसको कंट्रोल नहीं किया, तो दैट विल बी कंपाउंडिंग वेरिएबल। तो ये सब आरसीटी में सब काम करते हैं, सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस हम बोल दे रहे हैं, सिलेक्शन बायस में क्या होगा कि आपका जो सैंपल होगा वो सैंपल डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। आप ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ये अंग्रेजों पे कर देंगे और ये अफ्रीकन पे कर देंगे, कम इम्यूनिटी वाले पे कर देंगे, जिसका बहुत कमजोर बूढ़ा बूढ़ा लोग, और इसमें जो अच्छा अच्छा लोगों को उठा के लेके आएंगे, क्यों आप बनाए हैं दवा तो आप तो चाहेंगे ना कि वो सही हो जाए। आप जाने अनजाने कर देंगे सिलेक्शन बायस, ठीक। और अगर सब आप ठीक कर गए तो और दवा काम कर गया तो बोलेंगे हाँ मेरा दवा काम कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे आरसीटी हम लोग को बोला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं काम करता है, आरसीटी हम लोग को भी बोल रहा है कि डेक्सामेथासोन जो है वो लगता है काम कर रहा है, मोर्टेलिटी कम हो रहा है उससे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को रिजेक्ट भी करवाने में इसी का हाथ है, रेमडेसिविर पर जो काम हो रहा है जो पॉजिटिविटी है हमारा वो आरसीटी के कारण है। चलिए ये हमको लगता है लास्ट आर्टिकल है, एक और है, ठीक है एक अच्छा कवर तो करना ही है, देखते हैं क्या क्या है टेस्टिंग, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, एक ही में टाइम लगेगा, और दैट इज दिस। डायबिटिक कुछ देखा ये गया है कि कुछ कोविड के पेशेंट जो है उनको डायबिटीज हो जा रहा है, कोविड के पेशेंट को डायबिटीज हो जा रहा है, डायबिटीज वाले कोविड से मर रहे हैं ज़्यादा, एक पॉइंट। दूसरा बात है कि कोविड के कारण भी डायबिटीज हो रहा है, तो कोविड के कारण जो डायबिटीज हो रहा है इट इज टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा बात कर दे रहे हैं, डायबिटीज इज ऑफ थ्री टाइप्स, बहुत टाइप्स के होते हैं बट हम थ्री टाइप्स पर फोकस कर रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड पोस्टपार्टम। शॉर्ट में बात करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज में हमारा, चलिए बॉडी बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज यहाँ जूम कर रहे हैं, पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होंगे, ये बीटा सेल को अगर हमारा बॉडी ही अटैक करके मार दे, हमारा बॉडी खुद, अगर हमारा बॉडी खुद मतलब ऑटो, खुद अपने से ऑटो, ठीक है, मार दे इम्यूनिटी, उसको दुश्मन समझ के मार दिया, तो ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर इसको मार के ख़त्म कर दे बीटा सेल को, तो बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन, फिर इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारे ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाएगा, हमारे ब्लड में शुगर है, ये हमारा ये हाथ थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, हाथ में शुगर मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल में अगर यहाँ से निकला हुआ इंसुलिन अगर पड़ता तो ये शुगर कम हो जाता, क्यों कम हो जाता, शुगर सेल में चल जाता, ठीक। ये हमारा सेल है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा एलिब्रेट कर रहा है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल है बहुत 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 ज़्यादा है, हाई शुगर, इंसुलिन आया, कौन छोड़ा, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स, ये छोड़ा
आइलेट ऑफ लैंगरहंस के होते हैं, छोड़ा, ये इंसुलिन आया, इंसुलिन इस सेल को जाके चिपक गया और इस सेल को बोला कि तेरे बाहर में जो शुगर मॉलिक्यूल उसको टान के अंदर करो। केमिकल मैसेंजर था ये इंसुलिन, तो ये जो हुआ अपना रास्ता खोल दिया कहीं कहीं से, और ये सारे जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो ब्लड से निकल करके अंदर घुस गए। तो ब्लड में हो गया शुगर कम, ठीक। तो इंसुलिन ब्लड में शुगर कम करता है, कम करता है, इसलिए बोलते हैं इसको हाइपोग्लाइसेमिक केमिकल है ये हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक। तो इंसुलिन जो है वो अगर मार के हमारा बॉडी खुद ही इम्यून सिस्टम माउंट कर दे, ऑटो इम्यून, और अल्फा सेल्स सॉरी बीटा सेल्स को ख़त्म ही कर दे, तो हम लोग बोलेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज हो गया, टाइप 1 डायबिटीज। अगर टाइप 1 डायबिटीज हो गया तो आपको डेली का डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, कुछ और कुछ भी नहीं इलाज कर सकते। तो ये टाइप 1 डायबिटीज लोगों को हो रहा है ये कोविड में। दूसरी बात, जो टाइप 2 होता है उसमें बीटा सेल्स भी होते हैं, इंसुलिन भी बनता है, लेकिन हमारे बॉडी का सेंसिटिविटी कम हो जाता है। यानी इंसुलिन आएगा और ये सेल को बोलेगा कि खोलो अपना रास्ता और शुगर को बुलाओ अंदर, लेकिन ये सेल सुनेगा नहीं, सेंसिटिव नहीं है। इंसुलिन आके बोल रहा है तो बोलते रहे, हम तो दरवाज़ा खोलेंगे नहीं, सेंसिटिविटी कम है। तो सेंसिटिविटी कम है तो इसको बोलते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से, खाना पीना ठीक करने से वो ठीक हो जाता है, कि इंसुलिन था क्या, सेंसिटिविटी बढ़ाने का जरूरत है, तो टाइप 2। तो खैर, तो बात ये है कि टाइप, और एक लास्ट बोल रहे पोस्ट पैटम। पोस्ट पैटम में क्या होता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान में उसका शुगर हाई हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा हो गया, शुगर फिर नॉर्मल हो गया, डायबिटीज। तो डायबिटीज अगर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ गया तो इसको बोलते हैं पोस्ट पैटम। पोस्ट पैटम डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा नहीं तो काफ़ी मोटा होगा एक, और बच्चा को फ्यूचर में डायबिटीज हो जाएगा, होने के चांस बढ़ जाएंगे। यानी लेडी का चूंकि प्रेगनेंसी में उसका हाई शुगर था, तो बच्चा जो होगा वो डायबिटीज के लिए प्रोन हो जाएगा, एक पॉइंट। और अगर वो फीमेल है जो पैदा होगी, प्रेग्नेंट लेडी जन्म देगी एक लड़की को, और लड़की जब प्रेगनेंसी में थी तो माँ का हाई शुगर था, तो उस लेडी जब खुद प्रेग्नेंट होगी, ये जो बच्ची जन्म ली है, तो उसको भी पोस्ट पैरेटम होने का चांस रहेगा। यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान में इंसुलिन वगैरह दे करके शुगर को कंट्रोल कर दिया जाए, तो आने वाला बच्चा डायबिटीज से भी बचेगा और आने वाली लड़की को पोस्ट पैरेटम डायबिटीज नहीं होगा। यानी कि एक चेन को अब तोड़ दे रहे हैं, वो आगे एक पूरा खानदान में काम करेगा वो। तो खैर, तो हाँ, इसको जेस्टेशनल ही बोलते हैं, जेस्टेशनल ही बोलते हैं, पोस्ट पैटर्न गलत बोल रहे थे, जेस्टेशनल, ठीक। पोस्ट पैटर्न तो प्रेगनेंसी के बाद होगा तब बोलेंगे, ठीक। तो ये जो होगा जेस्टेशनल, सही है, तो जेस्टेशनल है ये। तो हम जो है ये तीन तरह का आपको बताए, तो टाइप वन का हो रहा है, तो क्यों, पैनक्रियाज में एसी रिसेप्टर होते हैं और एसी रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, तो इसलिए उसको डैमेज कर दे रहा होगा। अब एक जो चीज़ हम लोग को नहीं पता है वो बात कर रहे हैं कि क्या ये जो डायबिटीज कोविड का हुआ, इस तरह का जो ऑनसेट होता है उसको बोलते हैं एक्यूट ऑनसेट। तो ये एक्यूट डायबिटीज होगा, इसको बोलेंगे एक्यूट। एक्यूट मतलब अचानक से आ गया, जब धीरे धीरे लोगों को होता है कि बीमारी, बोलते हैं क्रोनिक, तो ये एक्यूट है, एक्यूट ऑनसेट है। एक्यूट ऑनसेट डायबिटीज परमानेंट होगा कि ट्रांजिएंट होगा अभी पता नहीं है। इन जनरल एक्यूट ऑनसेट कोई भी बीमारी होता है तो वो ट्रांजिएंट होता है, यानी जल्दी खत्म हो जाता है, बट अभी हम लोग को पता नहीं है कि कोविड वाला डायबिटीज जिंदगी भर चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरा बात है कि जो लोग टाइप 2 डायबिटीज होने वाला है, जिनको मतलब अभी प्री डायबिटिक में है, उनको
और ये बीमारी होगा कि नहीं होगा, ये सब क्लियर नहीं है अभी, बट ये जो कुछ कुछ आपको बता दिए कि प्रॉब्लम है। तो एक और भी हार्मोन होता है पैनक्रियाज में, ग्लूकागॉन। तो चलिए ग्लूकागॉन भी समझ ही लेते हैं, वो भी बनाता है पैनक्रियाज ही। अगर ग्लूकागॉन आया इस सेल के पास, पैनक्रियाज ही छोड़ेगा इसको भी, तो सेल को क्या बोलेगा, तुम जो शुगर अंदर में जमा करके रखा हुआ है इसको बाहर निकाल, तो शुगर बाहर निकल जाएगा, ब्लड में चला आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिक, वो हो गया हाइपोग्लाइसेमिक और ये हो गया हाइपरग्लाइसेमिक। तो ये खैर, तो ये जो डैमेज पैनक्रियाज को हो रहा है इससे डायबिटीज होने का खतरा रह रहा है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। एक मॉम्स मीजल और रूबेला का वैक्सीन होता है, एमएमआर वैक्सीन। तो एमएमआर वैक्सीन जो होता है ये कोविड से तो नहीं बचा रहा है, लेकिन एक स्टडी ऐसा आया है कि इन्फ्लेमेशन और सेप्सिस से, जिससे कि लोग मर जाते हैं कोविड के दौरान, इससे बचाने का इसमें पोटेंशियल है। तो केवल एमएमआर ही नहीं, कोई भी अटेन्यूएटेड वैक्सीन से ये होगा। ये रिसर्च ये है कि एमएमआर वैक्सीन से कुछ बाईस्टेंडर सेल बनते हैं, बाईस्टेंडर सेल जो कि कोविड का इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। मतलब ये पूरा का रिसर्च का जो थीम बता दे रहे, थीम ये है, बोल रहे हैं कि एमएमआर अगर वैक्सीन लिया गया है तो एमएमआर से तो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन एमएमआर वैक्सीन के कारण जो कुछ बाईस्टेंडर सेल होते हैं जो सेप्सिस से बचा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन से बचा सकते हैं, ये लाइफ लॉन्ग नहीं होते, इनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। तो एमएमआर वैक्सीन अगर लोगों को दिया जाए कोविड के दौरान में, तो बाईस्टेंडर सेल, जो नए नए बाईस्टेंडर सेल होंगे, ये सेल इन्फ्लेमेशन से और सेप्सिस से बचाएंगे, जिससे कि लोगों का डेथ रेट कम हो सकता है। आगे बात करते हैं, कुछ लोग जो कि कोविड में नेगेटिव पाए गए थे वो दोबारा टेस्टिंग में पॉजिटिव हो गए। तो ये ऐसा, चूंकि हम लोग नेसल स्वाब लेते हैं, तो एक स्टडी आया है कि अगर ओरियो फारिंगजियल सेक्रेशन अगर लेंगे, मुंह के अंदर से अगर निकालेंगे, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट देगा और इसमें फॉल्स नेगेटिव का चांसेज कम है। इटली में अच्छा, अभी हम लोग बोल रहे थे कि 80% लोग खुद ठीक हो जा रहे हैं, और फिर हम लोग यही बात की कि बहुत लोग असिम्प्टोमेटिक हैं। तो आखिरकार कितने लोग असिम्प्टोमेटिक होते हैं, ये क्वेश्चन था कि कितने लोग। तो इटली में इसका आंसर मिला है, इटली में एक पूरा का पूरा छोटा सा टाउन को क्वारंटाइन किया गया था, वहाँ पे जितने लोग पॉजिटिव पाए गए कोविड के पॉजिटिव, उसमें से 40% जो लोग थे दे वेयर असिम्प्टोमेटिक। तो ये एक डेटा है कि 40% लोगों को कुछ भी नहीं होगा, असिम्प्टोमेटिक रहेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि WHO हाल में बोला था कि ये फैला सकते हैं डिजीज को। तो ये हम लोग आज का कवर किए और इस वीक का खत्म हुआ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, और परसों आप लोग का, कल हमको टेस्ट लेना था बट उसको डिफर कर दिए है, परसों परसों ही लेंगे और परसों फिर पढ़ाएंगे भी। ये बोल रहा है कि कुछ बाईस्टैंडर्ड सेल होते हैं, बाई स्टैंडर्ड जो सेल होते हैं, ये सेल, ये सीधा सीधा बात कर रहा है कि ये सेप्सिस से और इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, जो कोविड में होता है। सेप्सिस मतलब कि ब्लड पॉइजनिंग।
टाइप टू डायबिटीज में क्या होता है कि सेल के जो देखिए समझ लीजिए, आप सुबह सुबह खूब चीनी खा लिए, चीनी खा लिए तो ब्लड गया पेट में, पेट से ब्लड में चला गया, ब्लड में अगर बहुत हाई शुगर होगा तो आँख को, किडनी को, हार्ट को डैमेज करेगा। तो ये जरूरी है कि ब्लड में इंसुलिन आए और सेल्स को बोले कि तुम लोग ब्लड से खींच के सेल के अंदर ले लो, ब्लड में ज्यादा हो गया। लेकिन सोचिए कि पैनक्रियाज का सेल ही डैमेज है जो इंसुलिन बनाता है, तो इंसुलिन बनाने वाला अगर सेल ही डैमेज है तो फिर अब चीनी खाते रहिए, ब्लड का ब्लड में रहेगा, ब्लड में शुगर रहेगा भी, शुगर तो एनर्जी देता है और आपका एनर्जी फील भी नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी फील करने के लिए उसको सेल के अंदर जाना पड़ेगा, तब तो सेल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करेगा, तब तो उसको एनर्जी मिलेगा, लेकिन वो टान ही नहीं रहा है, तो ब्लड का शुगर भी हाई है, आपका एनर्जी भी नहीं मिल रहा। तो इफ टाइप वन था कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अब आते हैं नॉर्मल पर्सन में। नॉर्मल पर्सन जैसे चीनी खाएगा, वो चीनी जब जाएगा पैनक्रियाज में तो पैनक्रियाज को सिग्नल मिल जाएगा कि शुगर ज़्यादा हो गया है, तो वो इंसुलिन बना देगा, और बना देगा तो फिर ब्लड से वो सेल में चल जाएगा, तो ब्लड में एक लिमिट में ही रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है, जब लोग ज़्यादा बूढ़े होने लगते हैं, एजेड एज के बाद, कि चीनी खाए और पैनक्रियाज इंसुलिन बनाया भी और वो निकला भी, लेकिन इंसुलिन का बात जो होता है मतलब मैसेज, ये नॉर्मली सेल सुनते हैं और शुगर को अंदर कर लेते हैं, लेकिन जब एज बढ़ने के साथ साथ में सोचिए सेल भी थोड़े थोड़े एजेड टाइप का हो गया है, तो उनको इंसुलिन जा करके बोलता भी है, मतलब मैसेज देता है कि खोलो, तो वो नहीं खोलते हैं, और तो इस कारण से या कम ओपन करते हैं तो शुगर उतना अंदर नहीं आ पाता है, तो क्या होता है एलिवेटेड लेवल इंसुलिन है बट वो काम ठीक से नहीं करेगा, क्योंकि सेल जिसको मैसेज देता है सेल इनसेंसिटिव हो गया है। तो वो हो गया हमारा टाइप टू डायबिटीज, जिसमें सेल सेंसिटिव नहीं है। कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, चलिए कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स जो है उसको हम दूसरे एग्जांपल से बात करते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग एक कंपनी है, कुछ बॉर्नविटा हॉर्लिक्स कुछ भी, हम लोगों को यहाँ पे ग्रुप लिए, यहाँ पे ग्रुप लिए, बच्चे हैं ये 13 ईयर्स के और ये भी 13 ईयर्स के हैं, 13 ईयर्स के। इस ग्रुप को हम लोग अपना खिलाएंगे बॉर्नविटा, और इसको कुछ ऐसा देंगे जो बॉर्नविटा नहीं है 6 महीना तक, और 6 महीने के बाद देखेंगे इनका हाइट कितना बढ़ा, इनका हाइट कितना बढ़ा, तो पता चला कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसका हाइट कंट्रोल ग्रुप से 2 इंच ज़्यादा बढ़ गया, तो हम बोलेंगे कि अरे देखो बॉर्नविटा का असर हो गया। लेकिन ये बच्चों को हम दे रहे थे डेली डोज, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये जो बच्चे हम चुने थे, सोचिए आप, ये बच्चे ऐसे जगह से आए थे दाहिने वाले जो बड़ा क्राउडेड जगह में रहते थे, इनको खेलने उलने का कोई फैसिलिटी ना, दिन में घर में रहते थे, और ये बच्चे जो थे ये इनके पास पास में बहुत बड़ा ग्राउंड था और ये खेलने कूदने का काफ़ी चांसेस था, तो दोनों ग्रुप हम चुने एक जैसे चुने, खाना पीना भी एक जैसा दोनों ग्रुप का है, फैमिली मेंबर भी एक जैसे है, इनकम भी एक जैसा है, सब एक जैसा है, लेकिन हम ये थोड़ा मेरा हम लोग गड़बड़ हो गया, मतलब देखा जाए तो कि ये बच्चे जो है ये खेलने कूदने वाले बच्चे हम लोग को मिले और ये बच्चे नहीं मिले।
और एक्सपेरिमेंटर को ये पता नहीं है कि एक्चुअली ये डिफरेंस है, और वैसे में एक्सपेरिमेंट कर लिया पता चला कि जो बॉर्मिटा वाले थे वो उनका हाइट बढ़ा, तो हाइट बढ़ा, लेकिन बाद में कोई बोलेगा अच्छा बताओ कौन कौन सैंपल था, तो सैंपल निकाला गया, कोई जाके चेक करके बोला कि ये ग्रुप जो था, ये ग्रुप ये कंट्रोल ग्रुप से डिफरेंट था, एक वेरिएबल है दैट इज प्लेइंग, वो वेरिएबल दोनों ग्रुप जो है वो दोनों में सेम नहीं था, तो सेम नहीं था तो, और सेम नहीं था और वो रिजल्ट पे अफेक्ट डाल सकता है, तो यहाँ पे क्या था, अपॉर्चुनिटी टू प्ले, ये सेम नहीं था दोनों में लेकिन असर डाल सकता है, हो सकता है खेलने वाले बच्चों का हाइट बढ़ता हो, तो इसको बोलेंगे कंपाउंडिंग वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो है एक्सपेरिमेंटल, जो एक वेरिएबल है हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम दे रहे हैं बॉर्नविटा, दिस इज अ वेरिएबल जो इसको मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग चाह रहे थे कि यही एक चीज़ हो जो दोनों में डिफरेंट हो, लेकिन एक और चीज़ डिफरेंट आ गया, दैट इज प्ले कर, बाकी हर तरह से सेम थे, दोनों ग्रुप में सेम मेल, सेम नंबर ऑफ मेल, सेम नंबर ऑफ फीमेल, दोनों ग्रुप में एक उम्र के बच्चे, माँ बाप का जो इनकम है ये भी सेम है, दोनों ग्रुप का खान पान एक ही है, सब एक 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 सब बोला कि गजब का स्टडी कर रहे हैं, खाली पता चलेगा बॉर्नविटा से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन गड़बड़ हो गया, कोई बाद में बताया कि इसमें एक वेरिएबल था जो आपका रिजल्ट को पूरा ख़त्म कर दिया है, आप रिजल्ट का जो इंटरप्रटेशन होगा ये इंटरप्रटेशन आपका गलत होगा, आप रिजल्ट फिर से स्टडी कीजिए, तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट को कन्फाउंडिंग वेरिएबल बर्बाद कर देते हैं, लाखों रुपये खर्च करके एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता चला गया एक ऐसा वेरिएबल है जो रिजल्ट को ख़राब कर दिया, तो दैट इज कन्फाउंडिंग वेरिएबल। हाँ और कुछ, शायद और नहीं है तो क्लोज करें।